हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हेमाटोलॉजी से, हेमाटोलॉजी के जितने भी इंपॉर्टेंट ग्लासफेयर्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और ये वीडियो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब आप लेबोरेटरी में काम करते हैं तो आपको एक एक इंस्ट्रूमेंट, एक एक ग्लासफेयर्स के नाम पता होना चाहिए। वो तो पता होना चाहिए, अनदर थिंग जब भी आपका प्रैक्टिकल होता है तो ये जितने भी ग्लासवेयर्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये सब स्पॉटिंग में भी आते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम आज के इस वीडियो को, जिसमें हम जानने वाले हैं जो हेमाटोलॉजी में, अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ हेमाटोलॉजी में इम्पॉर्टेंट ग्लासवेयर्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से होते हैं। ठीक, तो इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे और इसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा इलेबरेट करके लिखना भी नहीं होता है। ठीक, बस उसके नाम लिखने होते हैं, उसका क्या यूज़ है इतना लिखना होता है। ठीक, और अगर आप डायग्राम बना पा रहे हैं तो आप डायग्राम भी बना दीजिए, एक छोटा सा प्यारा सा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो पहला इम्पॉर्टेंट ग्लासवेयर है हेमाटोलॉजी लैब में, वो है आपका बीकर। बीकर आप लोगों ने इंटर में भी पढ़ा होगा, बीकर क्या होता है। ठीक, तो बीकर देखिए क्या है, यहाँ पे एक छोटा सा मैंने आप लोगों के लिए डायग्राम भी इधर रख दिया है, ये देखिए। ठीक, बीकर इज मेड ऑफ ग्लास, या तो ये ग्लास या प्लास्टिक का बना होता है। ठीक है, किस लिए इसे यूज करते हैं, यूज टू होल्ड लिक्विड कंटेन केमिकल रिएक्शन, मेजर्स लिक्विड हीटिंग देम ओवर द बर्नर। इसका मतलब ये है कि ये लिक्विड को होल्ड करने में, ठीक, जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसमें हम कोई भी चीज़ होता है, आप भगोना घर में यूज़ करते हैं, हाँ कोई भी पैन यूज़ करते हैं, उसमें क्या एक कप आपने दूध डाला, एक कप पानी डाला, ठीक, तो उसे फिर क्या कर दिया, आपके घर में गैस चूल्हा होता है बर्नर के ऊपर रख दिया। ठीक, तो बीकर भी कुछ उसी तरह काम करता है। और यहाँ पर आप एक चीज़ और देख सकते हैं कि इसमें क्या है, मार्किंग होती है। ठीक, मार्किंग, ये देखिए यहाँ पे मार्किंग है। ठीक, तो जितना भी आपको क्वांटिटी चाहिए होता है आप मेज़र करके इस मार्किंग के थ्रू ले सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ होती है आपके बीकर में। ठीक है, तो आप पहचान लेंगे ना बीकर क्या होता है। ठीक, अब बढ़ते हैं हमने दूसरे ग्लासफेयर की तरफ। तो ये है दूसरा ग्लासफेयर जिसका नाम है कॉनिकल फ्लास्क। कॉनिकल फ्लास्क इसलिए कहा गया है क्योंकि जो इसका शेप है वो ऊपर से देखिए कोन शेप है, दिख रहा है ऊपर, कॉनिकल। ठीक, अब ये किस लिए यूज़ किया जाता है, इट इज़ ऑल्सो यूज टू मेक सॉल्यूशन, इसमें आप सॉल्यूशन बना सकते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक, ऑल्सो मेजर मिक्स एंड स्टोर सॉल्यूशन, यदि आपको कोई चीज़ को मेज़र करना है, ठीक, या मिक्स करना है या किसी सॉल्यूशन को स्टोर करना है तो इसलिए हम यूज़ करते हैं क्या, कॉनिकल फ्लास्क। कॉनिकल फ्लास्क में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, मार्किंग दी गई है, तो इसलिए यहाँ पे क्या टर्म लिखा है, मेजर। ठीक है, इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट ग्लासवेयर है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसका नाम है टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में क्या है, देखिए आपको ना एग्जाम में या आपको जब भी आपका ये स्पॉटिंग होता है बहुत ज्यादा नहीं लिखना होता है, उसका नाम लिखना होता है, क्या क्या चीज़ें यूज़ की जाती है, बस उसके बारे में 2 से 3 पॉइंट लिखना होता है। ठीक है, तो ये जो टेस्ट ट्यूब होती है हेमाटोलॉजी लैब में, ये डिफरेंट डिफरेंट साइज की अवेलेबल होती है। ठीक है, ये किस लिए यूज़ किया जाता है, ऑफकोर्स सबको पता होगा किस लिए, क्योंकि हम इसमें टेस्ट परफॉर्म कर सके, यूज टू परफॉर्म टेस्ट। ठीक है, इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, टेस्ट ट्यूब्स। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या है ग्लासफेयर, ग्लास स्लाइड। ग्लास स्लाइड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये तो हेमाटोलॉजी की जान है। इसको किस लिए यूज करते हैं, यूज टू होल्ड द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब क्या, कोई भी सैंपल या जो भी चीज हमें माइक्रोस्कोप में देखनी है। ठीक, यहाँ क्या होता है, ग्लास की स्लाइड होती है, ग्लास की स्लाइड पे यहाँ पे हम सैंपल रखते हैं। ठीक है, सैंपल रखने के बाद हम उसे माइक्रोस्कोप के अंडर में एग्जामिन करते हैं। ठीक, तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है यूज टू होल्ड द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या कोई सैंपल फॉर माइक्रोस्कोपी, माइक्रोस्कोप में देखने के लिए यूज करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या है हमारा, कवर स्लिप। कवर स्लिप ना ग्लास स्लाइड का भाई है। ठीक है, जहाँ ग्लास स्लाइड रहेगी वहीं कवर स्लिप भी रहेगा। ठीक, इसका क्या काम है, देखो, यूज टू प्रोटेक्ट द माइक्रोस्कोप लेंस। माइक्रोस्कोप के जो लेंस होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। अब देखो कैसे, ये आपकी ग्लास की स्लाइड है, इसमें आपने सैंपल यहाँ पे रखा,
जब आप इसे अंडर माइक्रोस्कोप देखेंगे तो ये सैंपल आपके लेंस में लग जाएगा, इसीलिए इसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप क्या करते हैं, ये जो कवर स्लिप रखी है इसे आप इससे ढक देते हैं। ठीक, तो इसे देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, ऑल्सो प्रिवेंट द ड्राइंग ऑफ सैंपल इन ग्लास स्लाइड, मतलब जो भी सैंपल आपने यहाँ पे रखा है वो कहीं ड्राई ना हो जाए, सूख ना जाए, इसलिए आप इसे किससे कवर करते हैं, कवर स्लिप से। ये देखिए ग्लास की कवर स्लिप होती है, इससे आप कवर करते हैं। ठीक है, तो अब आप पहचान लेंगे ना कि लेबोरेटरी में कौन कौन से इक्विपमेंट्स और ग्लास फेड्स होते हैं। ठीक, और भी कुछ होते हैं, चलिए वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये देखिए एक और कौन सा है आपका ग्लास फेड, ग्रेजुएटेड पिपेट। ग्रेजुएटेड का मतलब ये नहीं है कि वो कोई डिग्री कोर्स ग्रेजुएट होकर आया है, इसका मतलब ये होता है कि जो आपकी पिपेट होती है उसमें मार्किंग होती है। ठीक, जिस पिपेट में मार्किंग होती है, इसमें देखो छोटी छोटी मार्किंग दिख रही है, उससे हम क्या कहते हैं, ग्रेजुएटेड पिपेट। ठीक, आप ग्रेजुएटेड पिपेट आपकी कुछ इस तरह से दिखती है। इसका क्या यूज है, यूज टू मेजर आउट, मेजर करने के लिए एंड ट्रांसफर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, कोई भी चीज या लिक्विड को मेजर करने के लिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मार्किंग है। अब जब मार्किंग है तो हम मेजर तो जरूर करेंगे, मेजर एंड ट्रांसफर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ लिक्विड। ठीक, जैसे कि स्मॉल क्वांटिटी कितनी कितनी माइक्रोलीटर में, कोई भी छोटी चीज को हमें मेजर करने के लिए, फिर मेजर करके इसमें उठा लिया, उठाने के बाद इसे ट्रांसफर करने के लिए हमें क्या चाहिए, ग्रेजुएटेड पिपेट। ठीक है, तो इसका ये काम है। नेक्स्ट क्या है आपका, स्टीयरिंग ग्लास रॉड। ग्लास रॉड ये जो है ना आपका स्टीयरिंग ग्लास रॉड, ये बिल्कुल जैसे आपका स्पून नहीं होता है, चम्मच उस तरह होता है। ठीक है, एक तो ये ग्लास का बना हुआ होता है, मेड ऑफ ग्लास, और किस लिए यूज करते हैं, यूज टू मिक्स द सॉल्यूशन। जैसे आप कि जैसे कोई ग्लास है, ग्लास में आपने चीनी नमक डाला, पानी डाला। ठीक, अब उसको अच्छे से मिक्स करने के लिए आप किसका यूज़ करते हैं, स्पून का, चम्मच का। वैसे ही आपको किसी भी सॉल्यूशन को मिक्स करना होता है तो आप किसका यूज़ करते हैं, इसका, ग्लास स्टिरर का। ठीक है, जिसे आप स्टिरर रॉड या स्टिरिंग रॉड भी कह सकते हैं, कुछ इस तरह से दिखता है। ठीक, अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा आपका, ये देखिए क्या है, टेस्ट ट्यूब रैक या टेस्ट ट्यूब स्टैंड। ये तो सबने ही देखा होगा, सबको पता होगा। ठीक है, तो इसको हम किस लिए यूज करते हैं, अब ऑब्वियस सी बात है, इसका नाम टेस्ट ट्यूब स्टैंड है, तो हम इसमें टेस्ट ट्यूब को स्टैंड करेंगे। कैसी पोजीशन में, अपराइट पोजीशन में, मतलब सीधा सीधा हम टेस्ट ट्यूब को स्टैंड करने में इसका यूज करते हैं। ठीक है, टेस्ट ट्यूब रैक या टेस्ट ट्यूब स्टैंड। ठीक, अब बढ़ते हम आगे। तो ये देखो ये क्या है, टेस्ट ट्यूब होल्डर। अब टेस्ट ट्यूब होल्डर, तो इसका नाम जैसा है इसका काम भी वैसा है। क्या काम है, यूज टू होल्ड द टेस्ट ट्यूब व्हाइल परफॉर्मिंग एनी टेस्ट। जब भी हम कोई टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो टेस्ट ट्यूब को होल्ड करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, टेस्ट ट्यूब होल्डर का। ठीक, जैसे कि हमारे टेस्ट ट्यूब में कोई भी एसिड डालना है या हमें उस टेस्ट ट्यूब को बॉइल करना है, तब हम टेस्ट ट्यूब होल्डर का यूज करेंगे और फिर हम उसे बॉइल करेंगे। टेस्ट ट्यूब को हाथ में पकड़ के बॉइल करेंगे तो हमारा हाथ जल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम टेस्ट ट्यूब होल्डर का यूज करते हैं। ठीक, अब बढ़ते हैं। तो ये देखिए और कौन कौन से ग्लासवेयर का यूज करते हैं हम लोग, ये है आपका रिएजेंट बॉटल। ठीक, रिएजेंट बॉटल आपकी देखिए दो तरह की होती है, एक ये थोड़ी सी डार्क कलर की और एक ये व्हाइट कलर की। ठीक, ये जो डार्क कलर की होती है इसमें हम एसिड रखते हैं या ऐसे रिएजेंट रखते हैं जो सनलाइट के थ्रू रिएक्शन ना करें। ठीक है, इसलिए हम इसे डार्क में रखते हैं। तो इसको हम किस लिए यूज करते हैं, यूज टू स्टोर केमिकल रिएजेंट एंड पाउडर। किस लिए यूज करते हैं, किसी भी केमिकल रिएजेंट या पाउडर को स्टोर करने के लिए। ठीक है, तो ये आपका क्या है, रिएजेंट बॉटल। नेक्स्ट क्या आपका, फनल। फनल ये देखिए क्या कैसी दिखती है, कुछ इस प्रकार दिखती है। ठीक है, तो ये क्या होती है, वाइड एट टॉप, मतलब ऊपर से वाइड होती है। ठीक, नैरो एट बॉटम, और नीचे से क्या होती है, नैरो। ठीक, यूज टू ट्रांसफर या पोर लिक्विड इन स्मॉल माउथ ओपनिंग। आप देखो ये क्या कह रहा है, इसे किस लिए यूज करते हैं, जैसे आपने
किसी बड़ी थाली में कोई सॉल्यूशन बना लिया, ठीक है। अब उसे आपको किस में पतली मुंह वाली बॉटल में ट्रांसफर करना है, ठीक। तो आप इसका यूज करेंगे, यस ऑफ कोर्स, फनल का, ठीक, मतलब जिसका माउथ ऊपर से चौड़ा और जिसकी नीचे नैरो हो, ठीक है। तो इसलिए यूज किया जाता है, यूज टू ट्रांसफर लिक्विड इन स्मॉल माउथ ओपनिंग, जिसका छोटा मुंह होता है उसमें ट्रांसफर करने के लिए किसका यूज करते हैं, फनल का, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारी, वॉश बॉटल। वॉश बॉटल तो आप लोगों ने सभी ने देखा होगा, जब आप स्टेनिंग करते हैं तब इसका यूज़ ज़्यादा किया जाता है। तो इस बॉटल में क्या क्या खासियत है ये देखिए, इट इज़ स्क्वीजेबल बॉटल, मतलब हम इसे स्क्वीज़ कर सकते हैं, ठीक है। जब आप स्क्वीज़ करते हैं तब इसका जो भी यहाँ पे फ्लूड भरा हुआ होता है वो बाहर आता है यहाँ से, ठीक है। यूज टू वॉश ग्लास स्लाइड, अब इसे किस लिए यूज़ किया जाता है, यूज टू वॉश ग्लास स्लाइड। जब आप स्टेनिंग करते हैं तो जो आपकी ग्लास स्लाइड होती है, जब आप टैप वाटर के थ्रू वॉश करते हैं तो ज़्यादा वॉश हो जाता है, तो इसलिए हम इससे वॉश करते हैं, वॉश बॉटल से। इससे नॉर्मल प्रेशर में आपका फ्लूड निकलता है जिससे कि आपकी ग्लास स्लाइड वॉश ऑफ हो जाती है, ठीक। ऑल्सो यूज टू अप्लाई बफर सॉल्यूशन ड्यूरिंग स्टेनिंग। नेक्स्ट क्या कह रहा है, जब भी आप स्टेनिंग करते हैं तब उसमें आपको स्लाइड को स्टेन करने के लिए एक होता है बफर सॉल्यूशन, तो बफर सॉल्यूशन का यूज़ भी इसी बॉटल से हम करते हैं, ठीक है। तो ये बॉटल आपको देखने को मिलती है जब भी आप स्टेनिंग वगैरह करते हैं, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये देखिए क्या है, ये आपका वॉच ग्लास। वॉच ग्लास आप लोगों ने जब भी इंटर में पढ़ा होगा तो केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में ज़रूर देखा होगा, हाँ। इसमें क्या करते हैं, ये देखो पहले होता कैसा है, ये कॉनकेव शेप का होता है, ठीक। कॉनकेव कॉन्वेक्स तो पता होगा, कॉन्वेक्स ऐसा होता है, कॉनकेव ऐसा होता है, ठीक। तो ये भी कैसा है, कॉनकेव, ठीक। और इसे किस लिए यूज़ करते हैं, यूज़ एज लिड, मतलब ढक्कन। कोई भी जैसे तुम्हारा फ्लास्क है, ठीक, फ्लास्क या बीकर है, उसको ढकने के लिए किसका यूज़ करते हैं, वॉच ग्लास का, ठीक, ऐसे। और किस लिए यूज़ करते हैं, यूज़ टू होल्ड स्मॉल सैम्पल या पाउडर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्मॉल सैम्पल यहाँ पे लिया गया है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे छोटा सा सैम्पल लेने के लिए, जब भी आप इंटर में बायोकेमिस्ट्री में टेस्ट वगैरह करते हैं तो उसमें इसी में ही आपको सॉल्ट मिलता है, तो ये आपका क्या है, वॉच ग्लास, ठीक। अब चलो हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका आरबीसी पिपेट, ठीक। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना, जब भी आप हेमाटोलॉजी में काम करते हैं तो ये ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। ये क्या होता है, यहाँ डायग्राम बना है, इसमें आप देख सकते हैं ये कैसा होता है, एक पिपेट की तरह होती है जिसमें बीच में यहाँ पे रेड कलर की देखो एक बीड प्रेजेंट होती है, ठीक। अगर ये रेड कलर की है तो इट मीन्स ये पिपेट किस लिए, आरबीसी की है, ठीक, अभी मैं आगे बताती हूँ। और वहीं यहाँ पे अगर वाइट कलर की बीड होगी तो वो पिपेट किसकी होगी, डब्ल्यूबीसी की, ठीक है। अब देखो इसके बारे में ये क्या कह रहा है, यूज टू मिक्स ब्लड विद डाइल्यूटिंग फ्लूड, ठीक। ये किस लिए यूज़ किया जाता है, ये ब्लड और आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूड को मिक्स करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक। इसमें क्या होता है, मेक डेफिनेट रेशियो ऑफ ब्लड एंड डाइल्यूटिंग फ्लूड। इसमें जो भी ब्लड और डाइल्यूटिंग फ्लूड होता है उनका एक डेफिनेट रेशियो हम बना लेते हैं, ठीक है, कितने परसेंट में, इतने रेशियो में आपका ब्लड होगा, इतने रेशियो में आपका डाइल्यूटिंग फ्लूड होगा, ठीक। और ये ब्लड और डाइल्यूटिंग फ्लूड को मिक्स करने के लिए यूज़ किया जाता है जब भी आप आरबीसी काउंट करते हैं। जब आप प्रैक्टिकल पढ़ाएंगे, मैं अभी पढ़ाऊंगी तो उसमें आप लोगों को मैं बता दूंगी, ठीक। अभी मोटा मोटा आप जान लो ये सब होते क्या है, कैसे दिखते हैं, इनके नाम क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका WBC पिपेट। अब जहाँ RBC है वहाँ WBC भी होगा। WBC में मैंने बताया यहाँ जो बीट होती है वो वाइट कलर की होती है, तो इट मीन्स वो वाइट WBC पिपेट है, ठीक है। ये किसके यूज़ होता है, यूज टू मिक्स ब्लड, ब्लड को किससे मिक्स करने के लिए, WBC डाइल्यूटिंग फ्लूड को मिक्स करने के लिए, ठीक। वहाँ मैंने पढ़ाया था RBC डाइल्यूटिंग फ्लूड, यहाँ पे ब्लड को WBC डाइल्यूटिंग फ्लूड से मिक्स करने के लिए, ठीक। और ये क्या करता है, ये जितनी भी RBC होता है उनको लाइस कर देता है, मार देता है, ठीक। और क्या करता है, ये WBC और डाइल्यूटिंग फ्लूड में एक डेफिनेट रेशियो बना देता है, ठीक। इतना रेशियो आपका ब्लड होगा WBC होगा, इतना रेशियो आपका डाइल्यूटिंग फ्लूड होगा, ठीक। और ये भी किस लिए यूज़ किया जाता है, जब WBC की काउंटिंग करनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका HB पिपेट। HB पिपेट मतलब हीमोग्लोबिन पिपेट, ठीक।
तो यहाँ पे देखिए, जब ये आपको दिख रहा है, ठीक, यहाँ पे एक आपको 20 मार्किंग भी दिख रही होगी, ठीक है। तो जब भी आप हीमोग्लोबिन का एस्टिमेशन करते हैं, तब आप कौन सी पिपेट का यूज़ करते हैं? हीमोग्लोबिन पिपेट कुछ इस तरह से दिखती है, ठीक है। ये किस लिए यूज़ किया जाता है? यूज टू मेजर एंड ट्रांसफर वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ब्लड। हम बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ब्लड को मेजर और ट्रांसफर करने के लिए यूज़ करते हैं। लगभग कितना? 20 माइक्रोलीटर, यहाँ पे मेंशन है 20 माइक्रोलीटर ब्लड हम मेजर करके उसे ट्रांसफर करते हैं। किस लिए? फॉर HbA एस्टिमेशन, मतलब हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन के लिए, ठीक है। अब चलिए हम आप आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये क्या है आपका? ये है आपका न्यूबॉर्न चैम्बर। न्यूबॉर्न चैम्बर मेनली जितने भी आपके ब्लड सेल्स होते हैं उनको काउंट करने के लिए यूज़ करते हैं, साथ ही साथ जो स्पर्म सेल्स होते हैं उनको भी काउंट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो आई होप आप सभी को आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके आगे का टॉपिक हेमाटोलॉजिकल लैब इंस्ट्रूमेंट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो टिल देन बाय बाय, और नोट्स की चिंता बिल्कुल भी मत करना, मेरे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल हो जाएगा। अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो जाओ जल्दी ज्वाइन करो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टिल देन बाय बाय।